उधर पंजाब के पटियाला में उस वक्त दहशत फैल गई जब वहां एक बेलगाम कार ने सड़क पर चल रहे लोगों को टक्कर मार दी। आरोप लगाया गया कि नशे में धुत उस कार के चालक ने पहले एक पुल के नीचे खड़े एक ठेले वाले को टक्कर मारी। इसके बाद जब लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसे बिना इधर उधर देखे अपनी कार को भगाना शुरू कर दिया और इसके बाद तो वो कार अपने सामने आने वाली हर चीज को उड़ाती चली गई। इस दौरान उसे पकड़ने के लिए पीछे दौड़ रही कई गाड़ियों ने उसका वीडियो बना लिया। इस वीडियो में उस गाड़ी के पीछे बैठे एक लड़के ने दरवाजा खोला और फिर बंद कर लिया। इसके बाद तो वो गाड़ी मानो बेलगाम हो गई। उस कार सवार ने बिना इधर उधर देखे बस अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। बंदा भी चाह रहे हैं और उड़ा रहे हैं। वो कार सवार ऐसे गाड़ी चला रहा था मानो कोई वीडियो गेम चल रही हो। उसने सड़क किनारे पड़ी कई चीजों में टक्कर मार दी। इस दौरान उस कार को रोकने के लिए दो लोग एकदम उसके सामने आ गए, लेकिन इसके बाद भी उस कार सवार ने अपनी स्पीड जरा भी कम नहीं की। वो बार बार उस दरवाजे के शीशे पर हाथ मारते रहे लेकिन वो रुकी ही नहीं। अरे खुजी, सरकार ने लगा नाच हो रहे है। इस दौरान एक महिला उस गाड़ी के नीचे आती आती बच गई। इसके बाद कुछ और लोग उस गाड़ी के पीछे दौड़ पड़े लेकिन वो कार सवार किसी के हाथ नहीं आया। उस गाड़ी ने आगे जाकर एक स्कूटर को भी जोरदार टक्कर मार दी जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर पड़ा। और इसके बाद हद तो तब हो गई जब वहां से भागने की कोशिश में उस कार सवार ने हाईवे पर उल्टी तरफ अपनी गाड़ी दौड़ा दी। बताया गया कि वो कार करीब 6 किलोमीटर तक इसी तरह दौड़ती रही। इस दौरान कई लोग उसकी चपेट में आ गए क्योंकि वो कार सड़क पर मौत बनकर दौड़ती नजर आई। पकड़े जाने के डर से उस कार सवार ने हाईवे पर गलत दिशा में गाड़ी भगानी शुरू कर दी, लेकिन इसके बाद भी लोगों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो जहां जहां गया गुस्साए लोग उसका पीछा करते रहे। हाईवे पर अचानक आई उस गाड़ी को देखकर वहां चल रही दूसरी गाड़ियों ने भी अपनी रफ्तार कम कर ली क्योंकि वो गाड़ी तो जैसे बेकाबू हो चुकी थी। उसके सामने जो भी आता वो उसे उड़ाती हुई चली जाती। इस दौरान एक बार के लिए ऐसा लगा मानो वो कार सवार वहां से भागने में कामयाब हो गया, लेकिन उसने अपनी गाड़ी की स्पीड इतनी तेज कर दी कि वो बहुत दूर निकल गई। लेकिन तभी वो कार सवार एक संकरे रास्ते पर चला गया जहां पहुंचते ही उसने अपनी रफ्तार कम कर दी, लेकिन वहां से भाग निकलने की कोशिश में उसने वहां खड़े एक मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी और आगे जाकर रुक गया। और इसके बाद तो गुस्साए लोगों ने उसे घेर लिया। उन लोगों के मुताबिक उस कार में 3 लोग सवार थे जो नाबालिग थे और उनमें एक लड़के ने नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए कई लोगों को टक्कर मार दी। और इसलिए जैसे ही वो गाड़ी रुकी लोगों ने उसमें सवार लड़कों को बाहर निकाला और पीटना शुरू कर दिया। लोगों ने उन दोनों का गिरेबान पकड़ लिया। इस दौरान पुलिस भी वहां पहुंच गई लेकिन वो लोग उन लड़कों को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे। वो लड़के उन लोगों से बहस करते भी नजर आए। हालांकि जैसे तैसे पुलिस ने भीड़ को संभाला और उन दोनों लड़कों को वहां से ले गई। गुस्साए लोगों ने उस गाड़ी में भी जमकर तोड़फोड़ कर दी। 5-6 लेडीज़ पुलिस के मुताबिक उस गाड़ी में 3 लड़के सवार थे। जो लड़का गाड़ी चला रहा था वो फरार हो गया जबकि उसके 2 साथियों को पकड़ लिया गया। बेलगाम गाड़ी की चपेट में आने से बच्चे और महिलाओं समेत कई लोग घायल हो गए तो वहीं कई लोगों की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा।